It's one is the handsome. हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्यूटीफुल और ज़बरदस्त अरंबुल बीच दिखाने वाला हूं, और मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं कि शाम के समय अरंबुल बीच को कभी मिस मत करना। शाम के समय तो 100% आना। तो मैं आज वो सारी चीज़ दिखाने आ गया हूं जो मैं आपको ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ कि शाम के समय अरंबुल बीच क्यों आना चाहिए। तो आज आपको मैं वो सारी चीज़ें दिखाऊँगा जो आपको दिखने वाली हैं। तो ये गूगल मैप के द्वारा अगर आप आओगे तो गूगल मैप के द्वारा दो एंट्रेंस आएगा, लेकिन ये मेन एंट्रेंस है। एज पर रूल, एज पर अगर देखा जाए तो यहाँ तक रोड बनी हुई है। तो ये अरंबुल बीच का मेन एंट्रेंस है। एक और एंट्रेंस गूगल मैप के द्वारा वहाँ पर पहुँचा देगा, लेकिन आप इस रास्ते के द्वारा आओगे तो यहाँ पे पूरी आपको पार्किंग मिलेगी। आप फ्री पार्किंग है, यहाँ पर पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और जो दूसरा वाला एंट्रेंस है वहाँ पर आपको पार्किंग फी पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोकल का और लैंड है, लोकल द्वारा वहाँ पे बनाया गया है, लेकिन ये गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। अब आप देख सकते हैं शाम के समय सभी लोग रेस्टोरेंट से खाने पीने के बाद सब कुछ यहाँ पे शाम को इवनिंग का सनसेट देखने और इवनिंग की जो ठंडी ठंडी सैंड है उसका एंजॉय करने के लिए अपने सैक्स अपने रेस्टोरेंट से बाहर आके बीच में बैठ जाते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी चलती है शाम होते ही। आप देख सकते हैं शाम होते ही यहाँ पे चारों ओर लोग ही लोग दिख रहे हैं। कुछ इंडियन हैं तो कुछ विदेशी हैं, कुछ रशियन हैं, कुछ नीदरलैंड से हैं, कुछ ब्राज़ीलियन हैं, मतलब विभिन्न विभिन्न देशों के लोग यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। वो सनसेट होने वाला है। कुछ लोग तो सनसेट फोटोग्राफी कैप्चर करने आते हैं, कुछ लोग इंजॉय करने कपल्स के साथ अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे आते हैं। बीच पर आपको ये भी मिल जाएगी कॉर्न अगर आपको चाहिए तो। अब बहुत सारे लोग देख सकते हैं आप, लड़के और लड़कियां, उधर विदेशी लोग आप देख सकते हैं कुत्तों के साथ खेल रहे हैं। तो विदेशी लोग जो एनिमल्स को हैं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन पहले आप ये क्लिप देखिए। ये महाशय रशिया से हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हुए हैं और एक साल से इंडिया में रह रहे हैं, और इनके पास भी एक कपल खड़ा हुआ है। ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये ब्राज़ीलियन कपल है और इंडिया में ये भी लगभग एक से डेढ़ साल से रह रहे हैं, मैंने बात किया तो चलिए और आगे चल के मैं अभी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। अभी मैं मांड्रेम की तरफ चला गया था, लेकिन मांड्रेम की तरफ से मैं अभी रिटर्न हो रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मांड्रेम बीच और अरंबुल बीच आपस में कनेक्टेड हैं, तो शाम के समय यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी शॉप्स भी लगती हैं, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि शाम के समय एक मार्केट लगती है अरंबुल बीच पे, उस मार्केट का क्या नाम है। तो आप मेरे चैनल में अगर जाओगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त एंड अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे, और आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ पे लोग विदेशी लड़कियाँ ले लेके घूमते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ और लाइव दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे इंडियन लड़के बहुत सारी विदेशी लड़कियों को लेके घूमते हुए आपके शाम के समय मिल जाएंगे, जिनमें से एक का मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। रिमेनिंग वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगा। तो ये यहाँ पे आप इवनिंग के समय देख सकते हैं व्यू, और ये देख सकते हैं ये जो लड़का है वो दिल्ली का है, लड़की है नीदरलैंड की। भाई ये विदेशी छोरी लेके घूम रहा है, देखो एक बार। यू आर फ्रॉम दिल्ली? ओके, थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। ओके, एक्चुअली आई हैव यूट्यूब चैनल इन रशियन लैंग्वेज एंड माई फियांसी इन हिंदी लैंग्वेज। इट्स रीजन आई एम मेकिंग वीडियो फॉर दिस। ओके, इट्स वन इज द एंड अनदर वाइफ चैनल इज या इफ यू विल सर्च यू कैन।
देखा आपने इस लड़के को, अच्छे से बोलना भी नहीं आता और विदेशी लड़की लेके घूम रहा है। तो अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप गोवा में 100% विदेशी गर्लफ्रेंड मिल सकती है आपको और रशियन गर्लफ्रेंड, जैसे ये भाई विदेशी छोरी लेके घूम रहा था और सामने भी बहुत सारे विदेशी लोग खड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और ज़बरदस्त और अच्छी चीज़ें दिखाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।